पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा रामगढ़, पलामू एवं गढ़वा जिला के लिए स्वच्छता दूत, स्वच्छता कर्मी एवं राजमिस्त्री को 2 बसों में यहां से रवाना किया गया। रवाना करने के समय पेयजल एवं स्वच्छता कार्यपालक अभियंता त्रिभुवन बैठा, जिला समन्वय अधिकारी विश्वनाथ सोनी ने संयुक्त रूप से दोनों बसों को यहां से रवाना किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कार्यपालक अभियंता त्रिभुवन बैठा ने बताया कि पलामू एवं गढ़वा के जिला प्रशासन के अनुरोध एवं राज्य सरकार के आदेश पर रामगढ़ से स्वच्छता दूत कर्मी एवं राजमिस्त्री को रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में रामगढ़ ओडीएफ मुक्त पहला जिला बना है, इसे लेकर अन्य जिले को प्रेरणा के रूप में उनके कार्य क्षमता में सुधार के लिए एवं ओडीएफ मुक्त जिला कैसे बनाए, इन सभी कार्यों के संबंध में प्रशिक्षण कर्मी जो जो जा रहे हैं वह जिला से लेकर पंचायत स्तर तक उन लोगों को जानकारी देंगे जिनका शौचालय बन चुका है और जिनका नहीं बना है वह वहां पर रामगढ़ के राजमिस्त्री को दिशा निर्देश कार्य कर देंगे कि कैसे बनाना है, कैसे उपयोग करना है। उन्होंने कहा कि पलामू के लिए 35 और गढ़वा के लिए 25 प्रशिक्षण कर्मी को 10 दिनों के लिए भेजा गया है। सबों का नेतृत्व उसरा के मुखिया शैलेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व बिहार सरकार के आदेश पर मुंगेर जिला में यहां से स्वच्छता दूत, स्वच्छता कर्मी एवं राजमिस्त्री मुंगेर जिला में बने शौचालय के संबंध में उन्हें जाकर पूरी जानकारी दी। रामगढ़ में किन किन बिंदुओं पर कार्य हुए जिसके कारण रामगढ़ जिला में नंबर 1 बना। ये सर झारखंड सरकार से आदेश प्राप्त हुआ था, जो भी ODF जिले हो गए हैं वो मदद करें, जहां ODF नहीं हुए हैं उस जिले को। तो हमें रामगढ़ से पलामू जिला और गढ़वा जिला में स्वच्छता गढ़ी और राजमिस्त्री वगैरह को भेजने का आदेश प्राप्त हुआ था। उसी कड़ी में हम लोग एक बस पलामू और एक बस गढ़वा के लिए स्वच्छता गढ़ी और राजमिस्त्री के लिए अभी हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। अच्छा गढ़ी और राजमिस्त्री को जो दल है वो हम लोगों का जो रामगढ़ जिला है ODF करने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके वजह को देखते हुए इन लोगों के चुने हुए राजमिस्त्रियों और स्वच्छता गढ़ियों को हम लोग पलामू और गढ़वा जिला में वहाँ के लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने के लिए हम लोग भेज रहे हैं। वहाँ पर ये 10 दिनों का ये कार्यक्रम होगा, बहुत ही बिजी शेड्यूल होगा। हर पंचायत के लोगों को ये लोग संपर्क करेंगे और वहाँ पे लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे, किस प्रकार से शौचालय जरूरी है, स्वच्छता जरूरी है, जिसके कारण से हम अपने बीमारियों से दूर रह सकते। देखिए, स्वच्छता सहयोग अभियान है और रामगढ़ जिला जो सबसे पहले ODF होने का गौरव प्राप्त किया है माननीय उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में, और रामगढ़ के जो स्वच्छताग्रही हैं और राजमिस्त्री पलामू में और गढ़वा में इस ODF को गति देने के काम करेंगे और गांव-गांव में जा करके और रामगढ़ के अनुभव को शेयर करेंगे। मेरा नाम मीना देवी हुआ, मेरा दुलमी प्रखंड की, मैं दुलमी गांव की हूँ, दुलमी गांव की जल सैया हूँ। हम लोग 2015 में अपने गांव को, अपने प्रखंड को, अपने जिले को एक एक घर में शौचालय बना के लोगों को प्रेरित किए। प्रेरित करने के बाद लोग को अभी बीमारी से बचने का तरीका, स्कूल में रैली निकाले, ग्राम सभा करके लोगों को प्रेरित किए और बैठे। अभी हमारा गांव और हमारा जिला शौच से मुक्त हो गया। हमारा काम को देखते हुए हमारा विभाग के लोग, हम लोग को चंपारण के लिए भेजा गया था 10 दिन के लिए, तो हम लोग वहाँ मुंगेर जिला 9 प्रखंड में हम लोग 9 प्रखंड में जाके स्वच्छताग्रही भाइयों बहनों मिल के एक एक गाँव, एक एक पंचायत, एक एक प्रखंड जाके मुखिया से, वार्ड से, BDO से, DC से, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से मिले और मिल के हम लोग वहाँ के लोगों को 10 दिन का प्रशिक्षण दे के आए। वहाँ के लोग बहुत ही जागरूक है। इसके बाद हम लोग को गढ़वा और पलामू में भेजा जा रहा है। न्यूज़लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है